हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं गुड़ के गुलगुले, जिसको यहाँ हमारे यहाँ पूड़े भी बोलते हैं, जो हमने गुड़ी या जैगरी भी बोलते हैं उससे बनाया है। तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही कमाल के बनते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे हमने करीब 400 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसको अच्छे से पीट लेंगे। आप चाहे तो इसको चाकू से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन पीटने से जल्दी ये स्मूथ हो जाता है। तो अभी इसको हम करीब आध घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप इसको थोड़ा गुनगुना पानी में कर दे तो 15 मिनट में भी ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अभी इसको हम हल्का सा ऐसे मिक्स करके ढक कर रख देंगे। उससे क्या है कि ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो तब तक हम अपना आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है करीब हमने 2 कप गेहूं का आटा। आटे को अच्छे से छान लिया है और यहाँ पे करीब हमने 4 से 5 चम्मच ली है सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं। और 4 चम्मच लिया है हमने नारियल का बुरादा। 2 चम्मच डालेंगे इसमें ऑयल, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें बाद में इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अच्छे से आप देख सकते हो गुड़ बिल्कुल मिक्स हो चुका है पानी में। तो गुड़ को के पानी को हमें छान लेना है ताकि जो इसमें कुछ गंदगी हो वो निकल जाए। तो बिना छाने बिल्कुल ना ले आप। तो अच्छे से हमने इसको छान लिया है और यहाँ पे मैं कप का इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कितना इसमें आपको पानी का, इसमें मीठे पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 1 कप लिया है हमने और उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो करीब 2.5 कप है ये हमारा, 2 कप आटा और 1/2 कप हमारा सूजी है। तो 2.5 कप में करीब हमारा 2.5 कप के करीब ही ये पानी जाएगा। 1 कप हमने पूरा डाल लिया है और इसको भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से चलाते रहना है। अभी काफ़ी टाइट है तो ये जो बाकी मीठा पानी है उसको भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। तो पूरा 2 कप इसमें हमने डाल दिया है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ये जो बचा हुआ पानी है उसको भी हम रख लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दिया था। तो करीब इसमें 2.25 कप के करीब पानी जाएगा। तो अभी काफ़ी ये मीडियम रखना है हमें इसके जो पेस्ट को, ना ज़्यादा लिक्विडी बनाना है और ना ज़्यादा ही बिल्कुल थिक रखना है। तो अच्छे से 5 से 7 मिनट तक हम इसको इसी तरह से फेटेंगे। तो अभी हम ऐसे डाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अभी भी टाइट है ये, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें इलायची पाउडर और हल्का सा इसमें हमने पानी को ऐड कर दिया है। तो जब आप गिराए ना, इस तरह का इसका बैटर होना चाहिए। अब इसको निकाल कर इसको ढककर छोड़ देते हैं, जिससे कि जो इसके अंदर सूजी है वो और आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अभी क्या करना है, हमने ऑयल गरम करने रख दिया था। थोड़ा थोड़ा आप स्पून की सहायता से भी डाल सकते हैं और हाथों से भी, दोनों ही तरीके से बहुत ही अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो गैस को रखना है लो टू मीडियम पर। धीरे धीरे जब ये पकेंगे तो अंदर तक बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर आता है दोस्तों। तो आज होई का दिन है तो होई पे स्पेशली पूड़े ज़रूर बनते हैं, इन्हें गुलगुले भी बोलते हैं। तो अच्छे से इस तरह से आप भी बनाएं और एंजॉय कीजिए। और आप सबको हैप्पी होई माता आप सबके बच्चों की रक्षा करें। तो जब इनका कलर चेंज हो जाए तभी हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ा सा हिला हिला के ही हमें इन्हें निकालना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें से निकल जाए।
तो सभी को हमने इस तरह से थोड़ा सा हिला के ही निकालना है, तो एक्स्ट्रा ऑयल हमारा निकल जाएगा। तो बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं ये और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।